कश्मीर के तनाव को कम करने के लिए 7 RCR में शुरू हुई पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग, बैठक में राजनाथ जेटली और सुषमा के साथ एनएसए अजीत डोवाल भी मौजूद। कश्मीर के हालात को देखते हुए राजनाथ सिंह ने रद्द किया अमेरिका दौरा, 17 जुलाई को जाना था वॉशिंगटन डीसी। राजनाथ ने मुस्लिम धर्मगुरुओं से की मुलाकात, अमन बहाली पर हुई चर्चा। जम्मू कश्मीर जाकर सीएम महबूबा मुफ्ती और इमामों से भी बात करेंगे मुस्लिम धर्मगुरु, कहा बातचीत से ही निकल सकता है समस्या का हल। आतंकी बुरहान वानी की हत्या को लेकर पाकिस्तान की हमदर्दी पर भारत का सख्त रुख, अंदरूनी मामलों में दखल पर लगाई लताड़, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा आतंकवाद पाकिस्तान के राष्ट्रीय। जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने दिखाया भारत के रुख का समर्थन, कहा यह भारत का आंतरिक मामला। जम्मू कश्मीर में स्थिति अब भी तनावपूर्ण, आज और कल हुर्रियत ने किया है बंद का ऐलान, सीआरपीएफ की 21 कंपनियों को तैयार रहने का आदेश। सीमा पार की एक और साजिश नाकाम, कठुआ सांबा में इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ ने लश्कर आतंकवादियों की रोकी घुसपैठ। हैदराबाद में आईएसआईएस के संदिग्धों के ठिकानों पर छापेमारी जारी, साइबर कैफे के साथ चार मीनार इलाके में तलाशी। जांच की तलवार के बीच जाकिर नाइक के सऊदी अरब से लौटने पर सस्पेंस, सूत्रों के अनुसार अफ्रीकी देशों की यात्रा पर जाकिर नाइक के जाने की तैयारी। मुंबई में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रद्द, केंद्र ने नाइक के एनजीओ की विदेशी फंडिंग पर भी बैठा दी है जांच। नेशनल हेराल्ड केस में आज आएगा फैसला, दोपहर 2 बजे के बाद दिल्ली हाईकोर्ट सुना सकता है फैसला। पंजाब में बगावत रोकने के लिए कांग्रेस का नया दांव, टिकट की चाहत रखने वाले हर उम्मीदवार को भरना होगा हलफनामा। कांग्रेस के हलफनामे में जिक्र, टिकट ना पाने वाले सदस्य को भी चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी का करना होगा समर्थन, कैप्टन अमरिंदर ने कहा इससे गुटबाजी पर कसेगी लगाम। बारिश के मौसम में डेंगू से इस बार सतर्क है दिल्ली सरकार, 55 की जगह अब करीब 300 डेंगू क्लिनिक खोलने का प्लान। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दी जानकारी, डेंगू के महंगे टेस्ट में राहत देने पर विचार कर रही है सरकार। कानपुर में चल रही है आरएसएस की सालाना बैठक, उत्तर प्रदेश चुनावों को लेकर चल रहा है मंथन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आरएसएस की बैठक पर कसा तंज, बोले हम तो पेड़ लगाकर कर रहे हैं ऑक्सीजन को आम, जो लोग पेड़ काट कर उसकी डाली लेकर चलते हैं उससे है नुकसान। आम आदमी पार्टी में शामिल होने वाले बीजेपी के पूर्व विधायक यतिन ओझा का दावा, बिहार चुनाव से पहले अमित शाह और ओवैसी ने की मुलाकात। यतिन ओझा ने कहा अमित शाह के घर पर देर रात तक हुई ओवैसी की मुलाकात में मैं भी था मौजूद, ओवैसी के हिंदू विरोधी भाषण देने की भी बनी थी रणनीति। पंजाब में बगावत रोकने के लिए कांग्रेस का नया प्लान, हाईकमान से चुने गए उम्मीदवार को समर्थन देने के लिए भरना होगा हलफनामा। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में जबरदस्त बारिश, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। बारिश के बीच महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एलोरा की गुफाओं का बदला नजारा, वाटरफॉल देखने बड़ी तादाद में पहुंच रहे लोग। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में खोले गए तवा डैम के 11 गेट, 50 गांवों पर खतरा। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश से नदियां उफान पर, मौसम विभाग ने जारी किया है 24 घंटे मूसलाधार बारिश की चेतावनी। असम में बाढ़ के हालात अब भी चिंताजनक, करीब 1 लाख लोग हो चुके हैं बेघर। हैदराबाद में पूर्व कॉरपोरेटर बिलाल हमीद के खिलाफ केस, बिजली विभाग कर्मचारी को पीटने का आरोप। मदुरई में एक शख्स को 11 लोगों के गैंग ने पीट पीट कर मारा, बाइक पर आए थे बदमाश। झारखंड के कोडरमा में शराब की तस्करी करने वाला तस्कर गिरफ्तार, बिहार ले जाई जा रही थी सप्लाई। महाराष्ट्र के उल्हासनगर में व्यापारी एसोसिएशन के कार्यालय में नकाबपोशों का हमला, विरोध करने पर चलाई गोली। लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस में दबंगों का खूनी खेल, सीट देने से इनकार पर बहन भाई को चाकू से मारकर किया घायल। दिल्ली में डीटीसी की एसी बस में लगी आग, बस में सवार 14 यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। दिल्ली में फेसबुक दोस्ती और रेप की घटना में नया ट्विस्ट, लड़की पर नाबालिग लड़के से यौन शोषण का आरोप। दिल्ली के कालकाजी इलाके में बुजुर्ग महिला की हत्या, वारदात के वक्त घर में थी अकेली। भीलवाड़ा अजमेर हाईवे पर 3 गाड़ियों की टक्कर, टक्कर में एक के बाद एक वैन में लगी आग, 2 घायल। राजस्थान के सीकर में जब्त की गई 50 लाख की अवैध शराब, 2 आरोपी गिरफ्तार। राजधानी पटना में वीआईपी लोगों के घर भी नहीं सुरक्षित, पूर्व मंत्री शहीद अली खान के घर लाखों की चोरी।
उदयपुर पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स को बड़ी कामयाबी, डकैती की योजना बना रहे चार शातिर बदमाश हथियार के साथ गिरफ्तार। पुणे पुलिस को डकैतों के बड़े गिरोह को पकड़ा, मुंह पर प्लास्टिक मास्क लगाकर करते थे लूटपाट। मध्यप्रदेश कटनी में सर्वर वायर में शॉर्ट सर्किट से आग, रिजर्वेशन पूछताछ अनाउंसमेंट कोच डिस्प्ले सिस्टम इंटरनेट सेवा समेत टेलीकॉम सेवाओं पर असर। यूपी के हरदोई में घर आए रिश्तेदारों ने नाबालिग को अगवा कर किया रेप, अगले दिन खेत में मिली बच्ची की लाश। यूपी के फरुखाबाद में दबंगई की हद, बदमाशों ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर एक युवक को दौड़ा कर माली गोली। गोंडा में शराब के लिए पैसे नहीं मिलने पर बेकाबू हुआ पति का गुस्सा, मिट्टी का तेल छिड़क कर लगाई आग। अलीगढ़ में निकाह के लिए आया दूल्हा पहुंचा थाने, पहली पत्नी का दावा करने वाली महिला ने किया बवाल। झारखंड के गोविंदपुर में इम्तिहान के दौरान नकल की खुली छूट, लॉन में बैठकर पर्चा लिख रहे थे छात्र। गुजरात के राजकोट में असली और नकली किन्नरों के गुट में भिड़ंत, शादी में आए थे चंदा मांगने। देहरादून विधानसभा के बाहर से अचानक हटाई गई जाबाज घोड़े शक्तिमान की मूर्ति, सूत्रों के मुताबिक एक ज्योतिषी के कहने पर कल रात हटाया गया स्टैचू। महाराष्ट्र में किसानों को सीधे मंडी में उपज बेचने की नीति पर अमल, साग सब्जियों के 300 ट्रक लेकर किसानों के साथ दादर मंडी पहुंचे राज्य के कृषि मंत्री भाऊ साहब खोत। किसानों ने मंडी में सीधे उपज बेचने की नीति का किया स्वागत, साथ ही कहा अगर मंडी में जगह का नहीं होगा बंदोबस्त तो होगा नुकसान। सोमवार से मोदी सरकार की पोस्टल गंगाजल योजना आरंभ, सिलीगुड़ी में पोस्ट ऑफिस में गंगाजल की खरीदारी करते दिखे लोग। श्रावणी मेले में नंगे पैर देवघर आने वाले भोले के भक्तों के लिए राहत की खबर, इस बार बिछाई जा रही है बिना कंकड़ वाली रेत।